और आइए आगे बढ़ते, आपको बताते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को वर्ल्ड कप जीतने की बधाई दी है। अमित शाह ने लिखा है कि हमारे राष्ट्र के लिए ये गौरवशाली क्षण है। तो गृहमंत्री अमित शाह, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे जिन्होंने ना सिर्फ टीम इंडिया बल्कि पूरे देश को बधाई दी है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए गृहमंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए हमारे राष्ट्र के लिए गौरवशाली क्षण बताया है। और आगे बढ़ते आपको बताएंगे सीएम योगी ने भी टीम इंडिया को जीत की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने ट्विटर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए लिखा है कि विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम का अभिनंदन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है, 17 साल के बाद विश्व विजेता बना है भारत, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पोस्ट करके टीम इंडिया को बधाई दी है, भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कैरेबियाई देश बारबेडोस में खेले गए इस ऐतिहासिक मैच को देखने पहुंचे भारतीयों का दिन बन गया। भारत की जीत ने उन्हें जश्न में डुबो दिया। न्यूज 18 से बातचीत में लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया है। बैट्समैन विन मैचेस बट बॉलर्स विन टूर्नामेंट्स। कैसा लग रहा है मैच जीत के? मजा आ गया, आना सफल हो गया। नंबर वन। मजा आ गया? मजा, पूरा मजा लिया है। मजा आ गया, दिल खुश हो गया। इतना लंबा हमने ट्रेवल किया, आना सफल हो गया। और इट वॉज ए ऑसम मैच जो स्काई की कैच स्काई में थी ना, स्काई इन द स्काई वॉज द सुपर। विराट कोहली और रोहित शर्मा के इस फैसले पर उनके फैंस के साथ बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर बिन्नी ने अफसोस जताया है। They've been outstanding performers. I mean, if you take the records, I mean, it's going to be very difficult, you know, to replace them immediately. Of course, you're going to have talent coming through, but you know, it's going to be a great loss for the moment. Virat Kohli always come to crunch, okay, and he makes that punch, and he did that in the final. मतलब सचिन भी 36 तक खेला है। आज कम से कम 2023 तो नहीं आ पाई, दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन 2023 आईसीसी ट्रॉफी रोहित शर्मा जी की बताई मैं बहुत बेहद खुश हूँ। और ये शर्त नहीं है भारत तो देश में खुशी की लहर, रात भर दिवाली मनाई गई है पूरे देश में। और जब तक मैच खत्म नहीं हो गया तब तक लोगों ने सिर्फ उम्मीद यही लगा रखी थी कि टीम इंडिया ही ये मैच जीतने वाली है। बीच में रोमांच से भरपूर इस मुकाबले में ऐसा लगा एक बार कि ये मैच टीम इंडिया के हाथ से जा रहा है। स्टंप्स की बैटिंग साउथ अफ्रीका की टीम को जिताने के लिए नजर आ रही थी, लेकिन फिर धुआंधार गेंदबाजी ने मैच पूरी तरह से पलट कर रख दिया। अंत का जो मुकाबला रहा, अंत का जो ओवर रहा, वो रोमांच से भरपूर रहा। आखिरी गेंद तक टीम इंडिया जो सिर्फ एक जीत का इंतजार कर रही थी, उसके बाद मैदान में आते हुए ना सिर्फ टीम इंडिया बल्कि टीम इंडिया का हर एक खिलाड़ी मैदान से, बल्कि जो वहां पर लोग मौजूद थे, जो दर्शक मौजूद थे, वो भी मैदान में आ गए और अपनी खुशी का इजहार करने लगे। टीम इंडिया की ये जीत पूरे देश के लिए गौरव का पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर टीम इंडिया को बधाई दी है। ना सिर्फ टीम इंडिया को बधाई बल्कि पूरे देश को बधाई दी गई है। कई सालों का इंतजार अब जाकर खत्म हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या राजनेता, क्या खेल जगत की हस्तियाँ, क्या बॉलीवुड, क्या बिजनेस टाइकून, हर तरफ से सोशल मीडिया इस समय टीम इंडिया को बधाई देता हुआ पटा हुआ है।